नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी तैयारी 3.0 का नोटिस रिलीज हो चुका है और किस वर्ग में कितनी सीटें हैं यह पूरा आंकड़ा आ चुका है। और अभी आपको बता दूं कि यह आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में वीडियो के लास्ट में इसकी जानकारी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि यह पीडीएफ आमतौर पर अभी बीपीएससी की वेबसाइट पर यह शो नहीं कर रहा है और किसी वेबसाइट पर शो नहीं कर रहा है और लोग परेशान हैं, तो ठीक है। तो इस पीडीएफ को कैसे आपको डाउनलोड करना है इसकी सूचना मैं वीडियो क्लास में दूंगा। आइए मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और टीजीटी के लिए जूनियर के लिए, अगर आपको एसएसटी का, सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, ओनली हिस्ट्री का या पीजीटी हिस्ट्री का अगर कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। 33% डिस्काउंट चल रहा है, ओनली 999 पर। कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, वन लाइन सीरीज भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। 2500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सारगर्भित व्याख्या के साथ, लेकिन मल्ली हिस्ट्री का, टीजीटी पीजीटी जूनियर के लिए मल्ली हिस्ट्री का आपको मटेरियल मिलेगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, किस वर्ग में कितनी सीटें हैं यह आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यह आंकड़ा मिल नहीं रहा है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं डालने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को मिल जाए, ठीक है। बाकी बीपीएससी की वेबसाइट पर अभी शो नहीं कर रहा है। देखिए कितनी सीटें हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो सामान्य में कितनी सीटें हैं, 1 to 5 का आंकड़ा देखिए, सामान्य में कितनी सीटें हैं, तो 11881 सीटें हैं आपका सामान्य में, मतलब 1 to 5 सामान्य में 11881 है। फिर उर्दू में आपका 3458 है, फिर 47 आपका बंगला में है, फिर कुल पद जो आपके हैं वो 15000 के करीब हैं 1 to 5 में, ठीक है। अब हम 6 to 8 की वैकेंसी देखेंगे। 6 to 8 में विशेष रूप से हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में कितनी वैकेंसी है, तो सामाजिक विज्ञान में जो दो भाग में बांटा गया है महिलाओं के आरक्षण हेतु, यह महिलाओं का आरक्षण है और यह पुरुषों का है, जिसमें महिलाएं भी आएंगी, यह सभी सबके लिए है और इसमें महिलाओं का अलग से रिजर्वेशन है। तो देखिए, गणित में कितनी सीटें हैं, मैं टोटल सीट बता दे रहा हूँ। गणित में 3562 सीट है, मतलब कि पुरुष वर्ग के लिए, जिसमें पुरुष वर्ग का मतलब सबको ही है, मैं कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। 3562 आपका गणित विज्ञान में है और महिलाओं के लिए है, गणित विज्ञान में कितना है ये आप देख सकते हैं, 2500, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में, अब देखिए सामाजिक विज्ञान एसएसटी मेल में कितनी सीटें हैं, ठीक है। मेल का मतलब बार बार समझाना ना पड़े, क्योंकि कुछ लोग आकर ज्ञानी बनने लगते हैं, बताने लगते हैं नहीं वो केवल उसी का नहीं है, तो मैं क्या कहूँ, ठीक है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो एसएसटी में जो आपकी सीटें हैं वह 2028 मेल के लिए है, ठीक है। और पुरुष वर्ग में जो आपकी सीटें हैं, फीमेल में जो सीटें हैं वह आपकी कितनी है, 1884 केवल फीमेल का है, और यह फीमेल आपका मेल में भी आएंगे, कुल मिलाकर यह जान लें। और अगर एसएसटी जनरल की बात कर रहे हैं, एसएसटी जनरल मेल का कितना सीट है, तो यह आपका 520 है, ठीक है। और महिला एसएसटी का कितना सीट आपका बन रहा है, तो ये आपका 428 महिला का है, ठीक है। अब महिलाओं के पास क्या है, 520 और प्लस 428, दोनों पद महिलाओं के पास हो गए, इतना ज़्यादा रिक्तियाँ हो गई। अब ये हिंदी का टोटल सीट कितना है, 1550 हिंदी का है, 1550 आपका हिंदी का है, फिर आपका अंग्रेजी का 1900 है करीब, ऐसे ऐसे करके सारी सीटें हैं, क्योंकि ये वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा। अगर वेबसाइट पे होता तो आपको और क्लियर होता, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आप देख नहीं पा रहे होंगे। देखिए, इतिहास में कितनी सीटें हैं, तो इतिहास में टोटल 1631 सीट है, इतिहास में 1631, ठीक है, 1631 आपका इतिहास में मेल पुरुष में है, जिसमें महिलाएं भी आएंगी, ठीक है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण हित कोटिवार पद जो है आपका, अब इसी में 1631 में ही आपकी महिलाओं का भी अलग से आ जाएगा, महिलाओं का जो आपका रहेगा 1631 में 158, देखिए 158 आपकी महिला का आएगा, और इसी 1631 में ही महिला आएंगी, क्योंकि यह क्षैतिज आरक्षण है, ध्यान रखिएगा। यह सीटें अलग नहीं, 1 to 5 और 6 to 8 में यह सीटें आपकी अलग हैं, लेकिन 11, 12 में अलग सीट नहीं है, यह क्षैतिज आरक्षण के तहत इसी में आएगा ये, ठीक है। 1631 में 158 महिलाओं की रिजर्वेशन है। अच्छा, इतिहास में जनरल कैंडिडेट कितना है, जनरल मेल का कितना है, तो वह आपका 424 आपका जनरल मेल का है, ठीक है। मतलब अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं, अदर स्टेट कितने सीट पर फाइट कर सकते हैं, अगर हम मेल हैं तो वह 424 सीट पर फाइट कर सकते हैं, और अगर पुरुष हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो वह कितनी सीट पर फाइट करेंगे, 424 + 158, ठीक है,
158 जनरल और फीमेल का है। आइए मैं पूरा सीट बता दे रहा हूँ, इतिहास का विशेष रूप से मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट वाले देख लें अपना। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब देखिए इतिहास में कितनी सीट है, 424 अनारक्षित, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 159 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 398 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 293 है, और अनारक्षित अनुसूचित जाति के लिए 320 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 है, और कुल पद जो है वो 1631 है, ठीक है। अब हम आर्थिक रूप से अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में अनारक्षित महिला का 158 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 54 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 150 है, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 108 है, अनुसूचित जाति वाली महिला के लिए 118 है। इस तरह से कुल मिलाकर 991 के करीब वह आपका महिलाओं का पूरा पद है, और 1631 आपका पुरुष वर्ग वाला पद है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग को सारा जानकारी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर यह पीडीएफ मैं डाल दे रहा हूँ, और मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जो इतिहास के लिए अदर स्टेट के लिए कितनी सीट आपको बन रही है, तो 424 बन रही है, ठीक है, जनरल के लिए, ठीक है। और अगर आप जनरल फीमेल हैं तो आपको 158 सीटें और आपको ऐड हो जाएंगी, तो 424 प्लस 158 सीट पर। अगर महिला हैं तो 424 प्लस 158 सीट पर फाइट करेंगी, और पुरुष हैं तो 424 सीट पर आप फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अच्छा वैकेंसी तो आ ही गया है, मैं बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, धन्यवाद आप लोग को, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पर यह पीडीएफ मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग जरूर ज्वाइन करके देख लीजिए। और यह पीडीएफ मुझे नहीं मिल रहा था, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाता, ठीक है, और क्योंकि वेबसाइट पर यह लोड नहीं हुआ है, बीपीएससी वेबसाइट पर, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।